देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद सदस्य सुशील मोदी ने पेट्रोल और डीजल के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि काउंसिल पेट्रोलियम उत्पादों को सरकार जीएसटी के अंदर जोड़ने पर विचार करेगी, लेकिन जब राजस्व का मासिक लक्ष्य 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। ये बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि शुरुआती महीनों में राजस्व में कमी आ सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सी वस्तुओं की दरें घटाई गई हैं, लेकिन अनुपालन में सुधार से इसमें तेजी आने के पूरे आसार हैं। जीएसटी में शामिल चीजों पर बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि नया कर ढांचा संपूर्ण जीएसटी तभी बन सकेगा जब इसमें पेट्रोलियम पदार्थों, इलेक्ट्रिसिटी शुल्क और स्टैंप को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिस सफलता के साथ जीएसटी लागू किया गया है, उस लिहाज से 3 साल के बाद किसी भी राज्य को मुआवजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब आप जीएसटी में शामिल चीजों की दरों में कटौती करते हैं तो आने वाले 3-4 महीनों में राजस्व में कमी आती है और मानसून के समय में बिक्री भी घट जाती है, जिसके चलते कर कम हो जाता है। वहीं जब कर की दरें कम हो जाती हैं तो लोग टैक्स जमा करने में भी आनाकानी नहीं करते। जीएसटी की पिछली बैठक के दौरान जीएसटी परिषद ने 50 से ज्यादा सामानों पर कर की दरें कम की थी, जिसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और छोटे टेलीविजन भी शामिल थे, जिनकी दर को 28% से घटाकर इन्हें 18% की दर में शामिल किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए प्रोग्राम में कहा था कि हमारा लक्ष्य हर महीने 1,00,000 करोड़ रुपए का कर इकट्ठा करने का है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य आज पेट्रोलियम से टैक्स नहीं हटाना चाहता, क्योंकि वो इससे 40% कर हासिल करते हैं। अगर हम इन पदार्थों को जीएसटी के दायरे में शामिल करते हैं तो भी राज्यों को इन पर अलग शुल्क वसूलने की छूट होगी। वहीं जीएसटी में शामिल चीजों पर बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि सरकार बुरे पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के कर को 28% से घटाकर 18% करने पर भी विचार कर रही है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।